दोस्तों महाभारत का एक महान योद्धा जिसका नाम महाभारत पुराण में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया, जिसका नाम सूर्यपुत्र कर्ण था और कर्ण का जन्म का था, बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि महाभारत का महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों बात उस समय की है जब माता कुंती अविवाहित थी। तब उनके राज्य में एक दिन ऋषि दुर्वासा पधारे और माता कुंती को उनका सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। और माता कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट होकर बोले, देवी मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया। परंतु कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमिक तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावंश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृष्टराज का सारथी आदिरथ ने अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी तो उसने उस बहते हुए पानी से उस बच्चे को निकाल लाया। क्योंकि आदिरथ निसंतान था इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।